happening about this? बेसिकली जो 12 पकी के संग और 28 लिखा वाली बाय इलेक्शन का जो जीत हुआ है, मैं समझता हूँ कि वहाँ के पब्लिक लोग ने जो वोट दे के हमारे उम्मीदवार को जिताया है, ये डेवलपमेंटल एजेंडा को लेके वो लोग ने जिताया है, तो ये पूरा स्टेट के लिए ही बहुत ही एक पॉजिटिव अच्छा बात है भविष्य में कि ये सरकार बाद में भी जाके डेवलपमेंटल काम करने वाला है, तो ये एक इंडिकेशन है पूरा स्टेट के लिए। सर आप पीएम को मिल के आए सर, तो मीटिंग कैसा रहा और क्या आउटकम्स आए सर? पीएम के साथ में काफ़ी लंबा मीटिंग चला है हमारा और डीसीएम साहब अपना एमओएस और अपना पार्टी प्रेसिडेंट जी के साथ में, तो वहाँ में स्टेट का जो मेजर इश्यूज़ है वहाँ पे हम लोग ने पूरा डिटेल में डिस्कशन हुआ है, तो उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए पीएम नेक्स्ट मंथ यहाँ जनवरी में आएंगे यहाँ स्टेट में। वैसे पॉइंट्स तो काफ़ी वहाँ पर रेज किया है, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है खास करके हमारा यहाँ पर जितने भी जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वो काफ़ी पुराना हो चुका है, उसको रिवैम करने के लिए मैंने अलग से मदद पीएम साहब से मांगा है, और हमारे जो जो बड़े जो टाउन्स हैं उसमें वाटर सप्लाई का बड़ा प्रोजेक्ट हमें चाहिए, ये एक पॉइंट मैंने डाला था। और दूसरा जो पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे होलोंगी में जो एयरपोर्ट बनना है उसको भी थोड़ा एक्सपेडाइट करने के लिए मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था। सर मुझे ऐसे भी सुनाई दिया कि जो स्टेट में जो पॉलिटिकली कुछ प्रॉब्लम चल रहा है उसका बारे में भी आप बात किया है, तो उसका क्या आउटकम है? स्टेट में पॉलिटिकल प्रॉब्लम तो कुछ भी तो नहीं चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है? नहीं सर, वो तापिर गांव से बार बार बोलते हैं हमारा गवर्नमेंट सेफ है, इसका क्या मतलब है सर? पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है तो क्या है? नहीं, बेसिकली जो क्राइसिस जो करा रहा है वो तो पीपीए लोग आपस में, शायद नौ एमएलए है, वो नौ का बीच में शायद कुछ चल रहा होगा, हमारे बीजेपी के अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही चीज़ तापिर गांव जी ने कहा है। सर पीएम से जो सर्कल का जो सर नो रोड नो वोट के लिए जो 5 पोलिंग स्टेशन में जो हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट हो गया कि आउट ऑफ 9 पोलिंग स्टेशंस 5 पोलिंग स्टेशंस में वोटिंग नहीं हुआ है, तो शायद वहाँ के जो लोकल डायनेमिक्स है वहाँ पे थोड़ा अलग है, कोई लोग वोटिंग करना चाहता था, कोई लोग फिर उसको सप्रेस करके वोटिंग करने नहीं दिया, तो आखिर खैर जो भी हो, अभी जो नो रोड नो वोट का जो इशू है अभी सरकार उसको गंभीरता से हम लोग देखेंगे, और रोड बनाने का जो प्रयास है वो हम लोग ने प्रोसेस में डाल दिया है, तो जल्दी ही कुछ वहाँ पे हो जाएंगे। अभी मैं पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, स्टेट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, और 12 पाकी के संग में मैं वाइस कैंपिंग कमेटी चेयरमैन का रहा, तो उस हैसियत से मैं आप सबका माध्यम से सारा स्टेट का तरफ से दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी को बहुत बड़ा बधाई देता हूँ। बीजेपी का ये बहुत बड़ा जीत है अरुणाचल के लिए, मैं खास करके 12 पाकी केसंग और लिकाबाली के कॉन्स्टिट्यूंसी के सबसे पहले वर्कर को, इंचार्ज को, और वहाँ के खास करके वोटरों को हम थैंक्स देना चाहेगा जो हमारा बीजेपी पार्टी को शानदार मतों से जिताया। इसके लिए आप लोगों ने ऐसे सुनने को मिल रहा है कि बीजेपी पार्टी अपना गवर्नमेंट का पावर यूज़ करते हुए बहुत सारा पैसा यूज़ किया है, तो इसके बारे में क्या कहना है इलेक्शन कैंपिंग में? नहीं देखिए, इसमें मनी पावर का बात जो है गलत है। आज भारत देश नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में उभर रहे, तो सारा देश अभी 3-4 स्टेट ही रह गया, जिनमें से अभी हाल ही में इलेक्शन आने वाला है त्रिपुरा, मिजोरम और कर्नाटका, वहाँ में भी हम लोग अच्छा काम करेगा। हाल ही में आपने गुजरात देखा, 22 साल सरकार चलाने का बाद भी हिमाचल देखा है, कांग्रेस मुफ्त हो गया, ये कांग्रेस मुफ्त का दौर है, ये मनी पावर और ये पार्टी पावर, रूलिंग पावर गलत है। हम लोग मोदी जी के और आपका अमित शाह जी के नेतृत्व में देश उभर रहा है और अरुणाचल देश का साथ चल रहा है।